Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing well, and in today's video lecture I'll be discussing the last part of exercise 3.4. I have discussed earlier with you guys all types of questions that are discussed, that are given in this exercise, and now the last part is the involves the questions having radical equations. Radical equations are means the questions having square root with them. So in these questions we have to take a whole square on twice. First we have to remove one square root, and in the other step we will remove the other square root. So there are two square roots involved in these questions. Let's begin with the question number 19. What we are going to do, I'll discuss it with you guys. Under root 2x plus 7 plus under root x plus 3 equals to 1. अच्छा, हम लोग अपनी आसानी के लिए मैं चाहूँ तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोगों को करना होगा, और वो भी दो दफ़ा करना होगा. अब हम लोग अपनी मैं यहाँ पे चाहूँ तो होल स्क्वायर दोनों साइड्स पे ले लूँ, लेकिन यहाँ पे फिर दोनों साइड पे रूट आ रहा है, तो हम लोगों को अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे कि एक रूट को मैं उस साइड पर ले जाऊँगी. किस तरीके से, ये मेरे पास हो गया अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन, ये मेरे पास हो गया वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, ये हो गया. अब मुझे रूट ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 3 होल स्क्वायर. तो ये रूट इससे कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास क्या बचे यहाँ पे 2x प्लस 7, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का. a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर में क्योंकि अगर मैं अंडर रूट x प्लस 3 होल स्क्वायर कर दूँ तो रूट रूट से कैंसिल होगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री. तो ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू वन प्लस एक्स प्लस थ्री माइनस टू अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री. अब रूट के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. तो टू एक्स माइनस एक्स मेरे पास हो गया एक्स हो गया, और सेवन माइनस फोर, सेवन माइनस फोर मेरे पास हो जाएगा थ्री. तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री. अब हमने एक बार जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की है तो मेरे पास से एक रूट कैंसिल आउट हो गया, लेकिन एक रूट दोबारा अभी भी मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब मैं क्या करूँगी कि अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा स्क्वायर रूट लूँगी. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर इन क्वेश्चन पर हमें दो दफ़ा होल स्क्वायर लेना पड़ेगा. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर. ये मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. और ये मेरे पास होगा, अच्छा देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो टू पे भी है और रूट पे भी है. जब टू पे स्क्वायर होगा तो वो टू टू जब फोर हो जाएगा, और जब ये रूट और ये वाला स्क्वायर जब इस पे आएगा तो वो कैंसिल आउट कर देगा. तो फोर इंटू एक्स प्लस थ्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस ट्वेल्व. एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स आ गया, नाइन माइनस ट्वेल्व नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व माइनस थ्री आ गया इक्वल्स टू जीरो. नाउ वॉट यू गैस हैव टू डू कि आप लोगों को मिडल टर्म अप्लाई करनी पड़ेगी, कि ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए, और प्लस या माइनस करने से आपके पास टू एक्स आ जाए. तो वो फैक्टर मेरे पास क्या होगा, 3x माइनस एक्स. अगर मैं 3x माइनस एक्स करूँगी तो 2x आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई में माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो अब इस पर जो मिडल टर्म बना ब्रेक अप्लाई करके जो फैक्टर्स बनेंगे वो मैं इस साइड पे करूँगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो फैक्टर्स दिए हैं वो मैं फैक्टर्स एक्स पे अप्लाई करूँगी. एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो. यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लूँगी मेरे पास एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो. एक्स प्लस थ्री और मेरे पास यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वन, ये कॉमन आ गया, बचा गया मेरे पास एक्स माइनस वन. दोनों को जीरो के इक्वल लेंगे, एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, मेरे पास एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगा,
और x माइनस वन को जीरो, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे तो मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए इसके, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन सेट में हम वो लिखेंगे जो वेरीफाई करेगा। तो इसमें हम लोग एक वेरीफिकेशन या जिसको आप चेक कहते हैं उसका प्रोसेस करते हैं। तो चेक करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है उसके अंदर मैं x की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू 1 पुट करके देखूंगी। देखो हमारे पास क्या था, अंडर रूट 2x, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट 2x प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1 था। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 की पावर माइनस 3 प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स की जगह माइनस 3 प्लस 3। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा टू तो ये मेरे पास, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब मेरे पास इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा तो ये जाहिर है मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर हो गए, ये तो मेरे पास वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास है, अब मेरे पास क्या बचा, पहले तो अभी मैंने माइनस 3 पुट किया था, अब मैं पुट करूँगी 1 पुट करूँगी। जब मैं इस क्वेश्चन के अंदर 1 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 7 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से मेरे पास आंसर 5 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को मैं जो मैं पुट करूँगी वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इस केस में जब मैं 1 पुट कर रही हूँ तो 5 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आंसर सिर्फ किसका आ जाएगा, माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 ही वेरीफाई कर, माइनस 3 की वैल्यू पुट करने से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। अच्छा, आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये तो बहुत सिंपल सा टाइप था, इसमें हम लोगों ने ये कर दिया। अच्छा, अब देखो जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है, इसमें हम लोगों ने सपोजिशन करनी है। सपोजिशन के बाद सवाल जब इस फॉर्मेट का आ जाएगा, आगे आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 5। अच्छा, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम आ रही, सिमिलर हैं, यहाँ पे भी ये चीज़ है, यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगी, मैं कर लूँगी लेट y इक्वल्स अंडर रूट तो नहीं लेंगे हम, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, अंडर रूट y प्लस 4 प्लस अंडर रूट y प्लस 9 इक्वल्स टू 5। वही तरीका होगा, बिल्कुल इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक रूट को साइड पे ले जाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों एक साइड की, तो हमारे पास एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास दूसरा रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सारा प्रोसीजर आप लोग एग्जैक्टली यही फॉलो करेंगे, आप लोगों के पास आंसर आ जाएंगे। अच्छा, मैं अब आप लोगों के साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ कि वाई की जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। जब आप इसको पूरे प्रोसीजर्स इस बात सॉल्व पूरे प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो जो वाई की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, आपको उस इनिशियल सपोजिशन के अंदर हमेशा पुट करना होता है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताई थी। तो इसमें अगर आप क्या करेंगे, इसको पुट इन ए, इसको इनिशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 0 कब आएगी, जब आप वही सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे। आपने बिल्कुल वही प्रोसीजर्स अप्लाई करके वाई की वैल्यू 0 निकाल ली। अब हम आगे जो इस एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा, जो सपोजिशन की उसके अंदर हमें पुट करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो पावर मुझे बता रही है कि इसका जो है दो सोल्यूशन निकलेंगे, 3x है। पावर जो है हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब है मेरे पास x के दो सोल्यूशन आएंगे। मैं एक x कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो एक x ये 0 से कंपेयर कराएंगे, एक x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई और दूसरी x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस 3 अपॉन 2। दो वैल्यूज़ आ गई। अब वही काम हम लोग करेंगे, वेरिफिकेशन का काम करेंगे। वेरिफिकेशन करते हुए हम लोग, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लूँगी,
इसके अंदर पहले x की वैल्यू 0 पुट करूँगी, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो हमारे पास वो सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। फिर -3/2 लिखूँगी इसके अंदर, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई इसका मतलब यानी 5 सॉल्व करके ये सारी चीज़ 5 के इक्वल आ जाएगी, तो मैं उसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दूँगी। अच्छा, तो बाकी जो आप लोगों के पास आगे क्वेश्चन हैं वो भी इसमें सिमिलर प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। जो 21 है उसके अंदर भी वही होगा अप्लाई, 20 वाला जो क्वेश्चन नंबर 19 है इस सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 और 24 में हमारे पास एक एक्स्ट्रा काम ये होगा कि हम लोग यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई कर रहे होंगे, और इन सारी टर्म्स में हमारे पास कोई ना कोई एक चीज़ सब में कॉमन आ रही हो वो हम अलग कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन को उसी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये हमारे पास ये एक्सरसाइज कंपाइल हो गई। मैंने बहुत ब्रीफली आप लोगों को इस एक्सरसाइज में सारे कॉन्सेप्ट, हर तरह के मल्टी क्वेश्चन जिसमें दिए हुए थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने साथ डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक नई एक्सरसाइज आप लोगों के सामने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। फॉर एनी क्वेरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।